हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी से हम राजपूती पोशाक किस तरीके से बना सकते हैं। इसकी फुल कटिंग का वीडियो मैंने इस आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारे पास पूरी बनारसी साड़ी है। इस वीडियो में मैं आपको लहंगे की स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये लहंगा है जो कि कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। ये लहंगे में हमें बॉर्डर भी ख़राब नहीं करना था और कलियाँ भी बनानी थी, इसीलिए हमने बंद कली लहंगा बना दिया है। यहाँ पर सभी कलियों में अंदर की तरफ सिलाई लगेगी, तो हम पहले लहंगे को कपड़े को उल्टा कर लेते हैं और सबसे पहले साइड की सिलाई लगाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि दोनों तरफ ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों जो कलियाँ उरेब आती है, तो भी हमें यहाँ पर फोल्डिंग करके ही सिलाई लगानी होगी। अगर आप फोल्डिंग करके नहीं लगाना चाहते हो तो अंदर की तरफ ओवरलॉक भी कर सकते हो, सिंपल सिलाई लगा के ओवरलॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना ओवरलॉक वाली बना रहे हो तो इस तरीके से फोल्डिंग करके ही सिलाई लगाएगा। ध्यान रखना है आपको कि जो कली है वो आपको बिल्कुल भी खींचने नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ना है और हल्के हाथों से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। साइड वाली सिलाई तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, लेकिन बाकी कलियों में हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी। आराम से सिलाई लगाइएगा, वरना ये जो दोनों उरेब कली होती है वो बढ़ जाती है सिलाई लगाने के बाद। ऊपर की तरफ हम 4 से 5 इंच, 3 से 4 इंच जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही खुला रखेंगे ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो। फिर यहाँ से जो कपड़ा है वो दोनों साइड फोल्ड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड का कपड़ा दोनों साइड में फोल्ड कर दीजिए। फिनिशिंग से सिलाई लगाइएगा, वरना उरेब कलिया है इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। आपको आराम से सिलाई लगानी है। फिर हम दूसरी कली पर सिलाई लगाएंगे तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लगानी होगी। तो ऊपर से कलियाँ बराबर कर लीजिए, कलियों को फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने लंबी दूरी में कली फोल्ड कर ली और सिलाई लगा की कलियों को खींच के, तो बिल्कुल भी बाहर की तरफ से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी में करके पकड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। कपड़ा बराबर रहना चाहिए सभी जगह। बीच में तो हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, लेकिन लास्ट में भी हमें देखिए, जहाँ तक हमने कटिंग कर रखी है वहाँ तक तो कपड़े को फोल्ड करके ही सिलाई लगाना है, लेकिन जो सिलाई है कलियों की वो हम पूरी नीचे तक लगाएंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बीच में की सिलाई लगाई, ऐसा लगना चाहिए लहंगे में हमने पूरी कलियाँ कटिंग करके सिलाई की है। तो देखिए, बॉर्डर से ऊपर तक तो हमने कट कर रखा है, वहाँ तक तो हम फोल्ड करके ही सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे आगे भी हमें थोड़ी दूरी में सिलाई लगानी होगी। आगे आप सिलाई लगाओ तो आपको धीरे धीरे कपड़ा कम करना है। ऐसा नहीं कि आप यहीं से सिलाई बाहर निकाल लो, बंद कर दो। ये देखिए, यहाँ पर हम कपड़ा लेंगे सिलाई में, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे कम करते जाएंगे और लास्ट में एकदम प्लेन कर देंगे, न के बराबर कपड़ा लेंगे। इससे क्या है कि बाहर की तरफ जो फिनिशिंग है कलियों में बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ से एकदम कपड़ा धीरे धीरे कम करना है, एकदम से हमें पूरा कपड़ा कम नहीं कर देना है। ये देखिए, बाहर से बॉर्डर भी बराबर मिलना चाहिए और जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छी आनी चाहिए। ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर भी बराबर जरूर मिला दीजिएगा आप, और कलियों पर खींच के सिलाई बिल्कुल भी ना लगाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी कलियों पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और लास्ट में आप इस तरीके से सिलाई जरूर लगाइएगा। जहाँ तक कटिंग कर रखी है वहाँ तक तो फोल्ड करके सिलाई लगानी है, लेकिन पूरा नीचे तक बॉर्डर में भी सिलाई लगानी है और फिनिशिंग एकदम अच्छी आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आपको पहले चौक से निशान लगा लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाए, फिर बाहर की तरफ इसे पलट कर सीधा करके भी देख लीजिएगा कि फिनिशिंग सही है या नहीं। ठीक है, लहंगे में हमने अस्तर ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो अस्तर भी लगा सकते हो अगर आप साड़ी से बना रहे हो या फिर पतली साड़ी है तो। ये बनारसी साड़ी थी, ज़्यादा पतली नहीं थी, इसलिए हमने इसमें अस्तर नहीं डाला। फिर हम नेफा अटैच कर लेंगे सभी कलियाँ बनने के बाद। नेफे को दोनों साइड से फोल्ड करके इसमें एक सेंटर मार्क बना देना है और सभी कलियाँ जॉइंट हो जाए, उसके बाद चीन लगाइएगा। चीन को नीचे की तरफ रखना है, लहंगे को ऊपर की तरफ। इसमें हमने 8 कलियाँ बनाई है, तो चौथी कली की सिलाई और जो चीन का सेंटर मार्क है वो दोनों मिलाएंगे और बीच में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रखा है उसे हम सभी कलियों में चुन्नट डाल के कवर करेंगे। अगर आपने चुन्नट वाली कलियाँ बनाई है तो चुन्नट आएगी, वरना बराबर आप स्टिच कर दीजिएगा। सेंटर मार्क मिलाइएगा जरूर, वरना आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर जो चुन्नट है वो नहीं आएगी। नेफा अटैच होने के बाद इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ज़्यादा चेन की फोल्डिंग चौड़ी नहीं करनी है, लगभग 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। चेन को फोल्ड करते वक्त शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि एकदम सही से फोल्ड हो, वरना इसमें पूरी चेन में ही बेलन पड़ेगी। चेन कटिंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है वो एकदम सीधा हो, उरेब कपड़े की चेन कभी नहीं काटनी चाहिए। अगर फिर भी इसमें बेलन आ रही है तो आप हल्का सा लहंगे को खींच सकते हो या फिर चेन को भी खींच के देख सकते हो, सही हो रहा है तो उस हिसाब से आप इस पर सिलाई लगा दीजिए।
ठीक है, अब नेफा अटैच हो गया। तो अब हम लहंगे की मगजी भी बना लेंगे। मगजी भी हमने इसी साड़ी में से ही बनाई है। आप चाहो तो आरी तारी वाली जो जरी वाली मगजी आती है वो वाली भी आप लगा सकते हो। देखिए मगजी जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है। पहले आप इसे रख के देख लीजिए कि किस तरीके से जॉइंट होगी। उसके बाद एक के ऊपर एक कपड़े को रखते हुए इस तरीके से तिरछा जॉइंट कर दीजिए। मगजी जॉइंट करते वक्त आपको वहाँ पर सिलाई लगानी है जहाँ से कपड़ा मिलता हो, ठीक है। दोनों साइड का कपड़ा मिलना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मगजी का वीडियो मैंने अलग से भी अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा या फिर आपको मगजी कटिंग या स्टिचिंग नहीं आती है तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मगजी हमेशा उरेब कपड़े की ही बनाते हैं। सीधी कपड़े की मगजी तभी बनाते हैं जब हमारे पास या तो कपड़ा कम हो या फिर बॉर्डर वाला लहंगा आया हो उसमें मगजी का कपड़ा नहीं आया हो, ठीक है। सारी मगजी अटैच होने के बाद हम गुणे की पट्टी कट कर लेंगे। लगभग 1.25 इंच चौड़ी गुणे की पट्टी कट करनी है, उससे ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी है। इसके बीच की सिलाई निकाल देंगे। अब हमें मगजी को फोल्ड करना है और इस तरीके से करना है कि जो हम फोल्डिंग वाला कपड़ा रखते हैं वो एक साइड में अलग रह जाए। लगभग 1/2 इंच कपड़ा हमें फोल्डिंग के लिए अलग रखना है और मगजी को इस तरीके से बराबर फोल्ड कीजिएगा। शुरुआत में अगर इसमें बेलन रह गई तो पूरी मगजी में बेलन पड़ेगी। पहले आप इसे अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद किनारे पर हमें गुणे की पट्टी रखनी है और उसके बीचों बीच सिलाई लगानी है। पीछे से पकड़ के ही सिलाई लगाइएगा और फोल्डिंग का जो कपड़ा है वो आप एक्स्ट्रा जरूर रख दीजिए। अगर आप बिना फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो मगजी को बराबर बीच में से फोल्ड कर सकते हो। गुणे की जो पट्टी है वो भी उरे भी कट कीजिएगा, वो भी सीधी नहीं लगानी है। सारी मगजी बन जाए उसके बाद हम गुणे को इस तरीके से एक साइड में फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हो गुणे को एक साइड में फोल्ड करके, अगर आपसे गुणा सही से नहीं निकल रहा है तो। गुणा बराबर निकालने के लिए आप इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ नीचे इस पर हम मगजी लगाना शुरू करेंगे लहंगे पर। ज़्यादा कपड़ा आपको यहाँ पर सिलाई में नहीं लेना है, 1/2 इंच से भी कम कपड़ा सिलाई में लीजिएगा और मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हल्के हाथों से पकड़ते हुए सिलाई लगाइएगा और गुणे पर हमने जो सिलाई लगाई है उसके पास पास में आपको सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए उस हिसाब से उतनी दूरी पर सिलाई लगाना, थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगानी है ताकि जो गुणा है वो एकदम बराबर दिखे बाहर की तरफ। अगर लंबी दूरी में लगा लेंगे तो गुणा बराबर नहीं दिखेगा। उसके बाद हम फोल्डिंग करने जा रहे हैं तो हम 3 सिलाई से फोल्डिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर बोबिन में कपड़े के मैचिंग कलर का धागा पिरो लेना है। अगर आप 3 सिलाई से नहीं कर पा रहे हो तो 4 सिलाई से ही फोल्डिंग कर लीजिएगा। इस वाली तरीके में देखिए आपको क्या करना है, लहंगे को आपको उल्टा करना होता है और बोबिन में मैचिंग कलर का धागा पिरोना है। फिर जो कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसे आप अंदर की तरफ डाल दीजिए, ठीक है। एक हाथ में हमें सुई लेनी है और एक हाथ से हमें कपड़े को अंदर की तरफ डालना है। सुई इसलिए लेते हैं ताकि कपड़ा जो अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए और फिर एकदम किनारे पर स्टिच कर देंगे। इससे फोल्डिंग हो जाती है, सिर्फ 3 सिलाई लगानी पड़ती है। मैंने दोनों तरीके का वीडियो अलग से बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे या फिर जो आसान लगे आप उस तरीके से फोल्डिंग कर सकते हो, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। कहीं से भी कपड़ा जो वो बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम साइड की जो स्टिचिंग है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। मगजी बराबर मिलानी है, गुणे को भी बराबर मिलाइएगा और पूरी स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा दीजिए ताकि यहाँ से सिलाई बार बार ना निकले। ठीक है, अब मैं आपको पूरा स्टिच सूट स्टिच होने के बाद किस तरीके का दिखागा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था साड़ी से पोशाक बनाने का, लेकिन वो जो कपड़ा है वो पतला था, उसमें हमने अस्तर ऐड किया था कुर्ती कांसली में, और इसमें भी हमने कुर्ती कांसली में ही अस्तर ऐड किया है। आपको ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड कटिंग का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आपके पास भी कोई साड़ी हो तो आप इस तरीके से ड्रेस बना सकते हो। मगजी जो है वो आप तारी वाली जो जरी वाली मगजी आती है वो बाज़ार से ला के भी बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।